नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में इन दिनों थाना गाजीपुर की पुलिस लगातार काफ़ी तेजी से सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन जिले के आला अफसर भी इस थाने की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे। आखिर क्या है इसकी असली हकीकत? इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे केस हुए हैं जिनका थाना अध्यक्ष आज तक पता न लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरकी गाँव का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को एक तहरीर देते हुए बताया कि खागा कोतवाली के बलरामदासपुर का पुरवार रहने वाले धर्मेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक को 27 दिसंबर को एक तहरीर देते हुए बताया कि उसके भाई महेंद्र को उसकी पत्नी अपने जीजा भाई और माता पिता के साथ मिलकर जहर दिया था। जहां पीड़ित ने बताया कि उसके भाई की पत्नी अंजू देवी का उसके जीजा रामचनेही के साथ अवैध संबंध थे। जहां इस मामले को न्यूज़ समय तक ने काफ़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जहाँ थाना गाजीपुर की पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रामचनेही, अंजू देवी, राजा राम और अज्जन देवी के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। जिसके बाद बता दें कि मुख्य आरोपी डॉक्टर रामचनेही को गाजीपुर पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। वहीं पीड़ित ने बताया कि आरोपी डॉक्टर रामचनेही दूर दूर से अपने बचाव के लिए सिफारिश लगा रहा है, उसकी मदद कुछ सफ़ेदपोश के लोग कर रहे हैं। आखिर गाजीपुर पुलिस ऐसे अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब पुलिस की नींद खुलेगी? अब देखने वाली बात तो यह है कि जनपद के आला अफसर इस बात को कितना संज्ञान लेते हैं, और सोचने वाली बात तो यह है कि क्या गाजीपुर पुलिस आरोपी डॉक्टर रामचनेही को गिरफ्तार कर पाएगी, या फिर इस मामले में जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके सहारे केस बंद कर मामले में खाना पूर्ति कर दी जाएगी।